ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब चलते हैं हमारे करियर सेगमेंट की तरफ और जानते हैं एक ऐसे कोर्स के बारे में जो करियर ब्रेक के बाद भी आपको दिला सकता है मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर के अच्छे विकल्प। करियर के एक पड़ाव को पा लेने के बाद इन लड़कियों की तैयारी है अपनी अगली पारी की, जहां ये बनना चाहती हैं देश की बेस्ट मैनेजर्स। मैनेजमेंट के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे इनोवेशंस के चलते अब मैनेजमेंट की शिक्षा दे रहे संस्थानों ने एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम जैसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज को लॉन्च किया है, जिसने करियर ब्रेक लेने वाली सभी लड़कियों के सामने खोल दिए हैं अपने करियर को एक नया मुकाम देने के सभी रास्ते। आई हैड अ प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ 5 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस था इन IT फील्ड एंड आई डिडंट हैव एनी आइडिया कि एनीबॉडी कैन डू MBA इन आफ्टर डूइंग सो मेनी ईयर्स ऑफ वर्क इन पर्टिकुलर फील्ड। जैसे मैंने IT पे 5 साल काम किए हैं, देन आई डिसाइडेड दैट ओके लेट मी डू MBA फॉर ए चेंज। टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम वर्क एंड दैट ऑल्सो 1 ईयर का ब्रेक इज मोर सुटेबल दैन टेकिंग 2 ईयर ब्रेक आफ्टर वर्किंग फॉर सो मच। यू आर नॉट अवे फ्रॉम इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, तो आपको वापस अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन करनी है इन दैट केस ऑल्सो एंड इन केस ऑफ लर्निंग एंड क्विक लर्निंग, आई थिंक 1 ईयर प्रोग्राम इज अ गुड ब्रेक। नो, द पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू वुमेन द प्रॉब्लम इज टुडे क्वाइट अ फ्यू आर इंजीनियर्स, व्हेन दे गेट मैरिड एंड हैव चिल्ड्रन दे नीड अ करियर ब्रेक, एंड आफ्टर द करियर ब्रेक इफ दे वांट टू रियली एंटर दिस काइंड ऑफ अ प्रोग्राम विल डू एक्सीडिंगली वेल फॉर देम। आमतौर पर करियर से ब्रेक लेने के बाद युवाओं के सामने एक बड़ी चुनौती होती है अपने फील्ड को चेंज करना या करियर को एक नए सिरे से शुरुआत करना, जिसे देखते हुए एग्जीक्यूटिव MBA ऐसे सभी युवाओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। कि आमतौर पर जो लड़कियां शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी में चली जाती हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद वो अपने बच्चे के लिए ब्रेक चाहती हैं, और जब उनका बच्चा थोड़ा इस लाइक हो जाता है कि वो बच्चा अपने आप देखभाल कर सके या घर के दूसरे लोग उसकी देखभाल कर सके, तो वापस कैरियर में आना चाहती हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो कैरियर वीमेन हैं, जो कैरियर में जाती हैं और ब्रेक लेके फिर वापस आती हैं, तो वो जो फॉर्मल एजुकेशन से थोड़ा दूर हो चुकी होती हैं इस अवधि में, और इस अवधि में उनसे काफी कुछ पीछे छूट गया होता है जिसको उन्होंने अपने आप को रिफ्रेश करना होता है। तो एक मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म है जो 15 महीने का हमारा प्रोग्राम है, इससे वो अपने मैनेजमेंट कैरियर को एक तरह से रिफ्रेशर प्रदान करती हैं और वापस वो कैरियर में जाती हैं। आज की डेट में आप जानते हैं देयर इज सो मच कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, सो आई थिंक टुडे इफ एनीबडी वांट्स टू डू वेल MBA बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आई मीन अगर आप देखें कितने ग्रेजुएट्स आजकल निकलते हैं, बट अगर आपको फॉर्मल एक एजुकेशन मिले देन आई थिंक यू हैव अ कट अबाउट द रेस्ट। इन कोर्सेज को करने के बाद जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी डिमांड बेहद तेजी से बढ़ रही है और भारत में इसके अच्छे कोर्स मॉड्यूल्स अब विदेशी छात्रों को भी आकर्षित करने लगे हैं। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल इन माय फ्यूचर एंड द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आई एम वर्किंग फॉर, बिकॉज़ आई एम द फर्स्ट वन to be taking this course and in my organization I think I'll be very productive through this course and everything that I have learned through this course. हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, सारा दारोमदार एप्लीकेशन का है कि मैं एक कॉन्सेप्ट को मार्केट में अप्लाई कैसे करता हूँ। क्लासेस जैसे सुबह राउंड अबाउट 8:30 स्टार्ट होती है एंड यहाँ मोड्स ऑफ टीचिंग है, लाइक वी हैव क्लासेस, कभी कभार केसेस होते हैं जो रियल लाइफ केसेस के ऊपर हमें सोल्यूशंस फाइंड आउट करने होते हैं, कभी कभार इंटरेक्शंस होते हैं फ्रॉम पीपल विद द इंडस्ट्री, सो दीज आर द मोड्स ऑफ टीचिंग हियर एंड इट्स वेरी गुड। जानकारों की माने तो अब किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए फील्ड से जुड़े स्पेशलाइजेशन के साथ साथ मैनेजमेंट एजुकेशन भी हो चुकी है बेहद जरूरी। ऐसे में एग्जीक्यूटिव MBA जैसे प्रोग्राम्स वर्किंग प्रोफेशनल्स को उनके करियर में आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाते हैं। मैनेजमेंट एजुकेशन शुड नॉट बी इम्पोर्टेड टू फ्रेश स्टूडेंट्स, करेंटली इट इज इम्पोर्टेड टू रॉन्ग स्टूडेंट्स यूजिंग रॉन्ग मेथड्स। अनलेस यू हैव अ फ्यू इयर्स एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री यू आर नॉट रियली राइट फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन। कई लोग ऐसे होते हैं जो जॉब के लिए पहले तो बिना मैनेजमेंट की फॉर्मल एजुकेशन लिए चले जाते हैं और बाद में जब उनको अच्छा खासा अनुभव हो जाता है और जब उनको अपने ही जॉब में तरक्की की जरूरत पड़ती है तब उनकी निगाह जाती है कि क्या इस समय इस मोड़ पे आके हम कोई प्रबंधन की शिक्षा हासिल कर सकते हैं। तो एक तरह से ये उन लोगों के लिए बना हुआ है प्रोग्राम।
तो अगर एक करियर ब्रेक के बाद आप भी मैनेजमेंट से जुड़े इन क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्सेज आपके लिए हो सकते हैं अच्छा ऑप्शन।